Hi everyone, a very good evening to all of you. So I know there are so many students who are preparing themselves for IFSCA Grade A Officer exam. So un sabhi bachcho ke liye, today I'm going to share a complete book list and sources for self-study through which they can crack IFSCA Grade A Officer exam. Directly jaate hain apna phase 1 पेपर वन की ओर. तो फेज वन पेपर वन में आ रहा है हमारा इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग की बात कर लें. तो इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग ऑलरेडी हमने बहुत सबने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पढ़ी हुई है. अगर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस और करनी है तो जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की उसको यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई और बुक नहीं है और आप परचेज करने की सोच रहे हो तो एजेसी की क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की जो जिसमें आरबीआई सेबी नबार्ड के पास्ट ईयर पेपर्स इंक्लूड हैं वो आप बाय कर सकते हो. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा. राइट, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड, अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर दैट यू डायरेक्टली गो टू अ यूट्यूब, डायरेक्टली उस टॉपिक को सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. प्लस अनु जिंदल में भी आपको चेतन सर की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी जिनमें उन्होंने क्वांट के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह एक्सप्लेन किए हैं. ठीक, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग एग्जाम है हमारा पेपर वन. तो ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, बस जितना कि हम क्वालिफाई करते हैं 30% स्कोर कर जाके इतना हमें फोकस रखना है. फिर बात करते हैं पेपर वन में एक टॉपिक और आ रहा है हमारा, दैट इज जीए इन फाइनेंस, दैट इज जनरल अवेयरनेस इन फाइनेंस. इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप देख सकते हो सारी की सारी वीडियोस करनीमा मैम की, करनीमा मैम की डेली मतलब ऑल्टरनेट डेज पे आपके पास आरबीआई 247 जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेन करती हैं मैम. तो वो आपको 100% रेफर करनी है. क्यों 100% रेफर करनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके फेज वन में ही हेल्प नहीं करेगी, साथ साथ फेज टू में भी 100% हेल्प करेगी. ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट. ये हो गया हमारा पेपर वन का. अगर पेपर टू की बात करूं फेज वन के, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इसके लिए आप नेहा मैम के जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो आप जरूर देख सकते हैं, वो भी आपको एजीसी के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. राइट, अब करंट अफेयर्स करते वक्त ध्यान रखना है ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा मतलब फिर बताया था क्वालिफाइंग एग्जाम है तो हमें फोकस नहीं करना इस पे इतना. ठीक, फिर आता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर. इसके लिए आपको क्या करना है, पीआईबी देखनी है. और पीआईबी के लिए मनीष सर के अलावा मैं मानता हूं इससे बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता. जितने भी आरबीआई सेबी एस्पिरेंट इंटरव्यूज देते हैं सबके जुबान पे सिर्फ पीआईबी के लिए एक ही नाम होता है, दैट इज मनीष सर. तो अगर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स देखनी है वो आप इसके लिए ये वीडियोस रेफर कर सकते हो. ठीक, बट एक पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको वीडियो सारी देख लेनी है क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट हो जाएगा, बट जो लर्न करनी है और फोकस करनी है वो करनी है सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर वाली. तो इनमें से जब आप स्कीम्स देख रहे होगे तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेना और लिख लेना. ठीक है, मतलब उनको याद कर लेना आप. फिर बात कर लेता हूं अपना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ईएसआई के लिए हमारे पास दो बुक्स हो सकती हैं, या तो आप रेफर कर सकते हो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंघानिया की, राइट, या फिर इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह. दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनमें से कोई भी आप एक रेफर कर सकते हो. बट सेम चीज आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना, फिर आपको फोकस करना है कि जो टॉपिक्स गिवन है मेंशन में आप सेलेक्टिवली उसकी स्टडी करो पहले. ठीक, और जो क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी है वो आप पढ़ सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए. ठीक, ये हो गई इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक्स. फिर आता है पेपर टू में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए सबसे पहले क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हो गई अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है. फिर अगर और डिटेल में पढ़ना है
तो जे आर मोंगा बहुत अच्छी बुक है और मैंने भी बहुत बार पढ़ी है अपनी ग्रेजुएशन में भी और पढ़ाते वक्त भी, तो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हो। अगर आपको बुक परचेज करने का नहीं मन तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो। अब याद रखना जब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जाओगे तो एक तो आता है हमारा इंटरमीडिएट और इससे पहले होता है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के पेपर वन भी जिसमें आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो जाएंगे, या फिर उसके बाद आपके पास होता है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का जो पेपर वन है अकाउंटिंग वो आप रेफर कर सकते हो, और उसके बाद अकाउंटिंग में बोलूं आईसीआई में एक एडवांस अकाउंटिंग नाम के भी अपना पेपर है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, या फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल ले सकते हो फाउंडेशन का जिसमें आपका पेपर फोर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बुक नहीं भी खरीदनी ना तब भी आप इन ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना चाहते हो। ठीक, अब इस चीज में एक चीज और ध्यान रखनी है, फाइनेंस और अकाउंटिंग करते वक्त मैंने बहुत सारे सोर्सेज तो बता दिए, बट मेरी जो प्रीवियस वाली वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई है व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये ना हो कि आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की पूरी बुक खोल के बैठ गए और आपसे कंप्लीट ही नहीं हुए, पेपर आ गए, तो वो भी नहीं करना है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मैं अभी बता रहा हूं, कितना पढ़ना है वो उस वीडियो में डायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद जिसमें मैंने बताया है व्हाट टू स्टडी और व्हाट टू लीव। ठीक है, इससे पहले ही आई होगी वो। फिर आता है हमारा कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग में जो सबसे बेस्ट और सिंपल बुक लगती है मेरे को वो लगती है एम एन अरोड़ा, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, आप इसको रेफर कर सकते हो, या फिर मेरे पास एक महेश्वरी मित्तल भी है, महेश्वरी मित्तल भी अच्छी बुक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। राइट, फिर आता है हमारे पास अगर आईसीआई के स्टडी मटेरियल की बात करूं तो उसमें इंटरमीडिएट का पेपर थी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल की बात करूं तो इसके एग्जीक्यूटिव लेवल में आपका पेपर फाइव है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों के पेपर मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि आईसीआई में कहां जाना है, आईसीआई में कहां जाना है। आईसीएसआई के एग्जीक्यूटिव लेवल पे पेपर फाइव, आईसीआई के इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर थ्री। ठीक है, यहां पे भी याद रखना है आपको कंप्लीटली नहीं जाना, जो आपके सिलेबस का पार्ट है सेलेक्टिव स्टडी करनी है सेबी का वो उठा लेना, ध्यान से सुन लो, अकाउंट्स और कॉस्टिंग के लिए सेबी का सिलेबस उठा लेना, आप सेबी के सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो इन बुक्स में से उठा के पढ़ लेना, दैट इज फॉर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग दोनों के लिए। कंप्लीट करने जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, एक महीने तो भूल जाओ। ठीक, बाकी कितना पढ़ना है मैं पहले बता रहा हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना, ऐसा ना हो आप बुक खोल के बैठ जाओ, इट इज फॉर रेफरेंस ओनली कि आप अगर आप कॉस्टिंग पढ़ना चाह रहे हो तो कहां से रेफर कर सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए दो बेस्ट बुक्स हैं अपने पास, एक है टीएन छाबड़ा, ये भी बहुत इजी और सिंप्लीफाइड है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, सेम थिंग, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको यहां पर क्या करना है आरबीआई और सेबी का जो सिलेबस है, ये गलती मत करना कि पूरी बुक ओपन करी और पढ़ने बैठ गए, आरबीआई और सेबी के सिलेबस में जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन बुक्स के थ्रू कवर कर लो, या वीडियोस यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। राइट, फिर एक और मैनेजमेंट की बुक आ जाती है हमारे पास सेबी गुप्ता, ये भी बहुत ईजी होती है। ठीक, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो उनको प्रेफर करना मेरी बुक से जो मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजन बीइंग जब आप वो बुक ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो तो वो एज अ रिविजन होता है जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ते हो, तो वो कंसेप्ट्स आपके जल्दी क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप न्यू बुक उठाते हो तो। ठीक, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का। फिर आता है हमारे पास फाइनेंस। फाइनेंस के लिए सबसे बढ़िया बुक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय पाठक की ले सकते हो, डिटेल्ड बुक है प्रॉपर, या फिर एक एम वाई खान आती है वो आप रेफर कर सकते हो। राइट, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भारतीय भी पाठक या फिर एम वाई खान। अब इसमें भी बता दूं बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, सेबी नहीं बोलूंगा, आरबीआई, आरबीआई का आपको कंप्लीट सिलेबस उठाना है और उसको कवर करना है। ठीक है, प्लस जो जो टॉपिक्स होंगे आप एक चीज जोड़ सकते हो अगर आपका बुक्स लेने का मन नहीं है, जो जो टॉपिक्स होंगे, देखो फाइनेंस एक जगह कलेक्टिवली बहुत कम ही मिलता है इन बुक्स को छोड़ के, तो आप क्या कर सकते हो टॉपिक वाइज गूगल कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस भी
देख सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा फेज टू के पेपर टू की बात। फिर बता दूं पेपर वन, पेपर फेज वन जो है क्वालिफाइंग है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, वो जरूर देख लेना आप, ठीक। फिर आता है हमारे पास फेज टू। फेज टू में पेपर वन है हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। अब इसके लिए आपको कोई बुक की जरूरत तो नहीं है, बट हाँ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप अनुज सर की वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर आरबीआई सेबी एंड नबार्ड, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे एक बेटर आंसर लिखा जाता है, राइट। प्लस इसका तभी एडवांटेज होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देना और मॉक्स में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना, राइट। चले आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज टू के पेपर टू में यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। अब यहां से जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपको ध्यान रखने हैं, आपको डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि फेज वन क्वालिफाइंग था तो हम लिमिटेड स्टडी करके भी हमारा टारगेट है कि सिर्फ पेपर क्रैक करना। अब यहां से आपको डिटेल स्टडी करनी होगी क्योंकि यहां से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अगर यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप मनीष सर की वीडियोस देख सकते हो, जिनमें उन्होंने डिटेल्ड में ही वन आर की वीडियोस हैं, डिटेल में डिस्कस किया है पूरा यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और इनके डॉक्यूमेंट्स आपको अनुज जिंदल वाले टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के और गवर्नमेंट बजट के, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, सो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली पहले वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेपर टू के अंदर बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। अब ये प्रोपोर्शन जो हमारा है बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, ये हमारा आता है पार्ट ऑफ फाइनेंस, बट ये अलग से दे रखा है तो इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो अभी मैंने फाइनेंस की बुक बताई कौन कौन सी, अगर आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ले रहे हो भारतीय पाठक वाली, तो इसमें भी आपका कैपिटल मार्केट और बैंकिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, राइट। या फिर अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एम्पायर खान वाली भी ले रहे हो तो इसमें भी डिटेल्ड में कवर्ड है, राइट। और अगर आपको कैपिटल मार्केट और डिटेल में पढ़ना है तो आईसीआई का स्टडी मटीरियल है एग्जीक्यूटिव लेवल का, पेपर सिक्स है सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, ठीक। सिमिलरली आईसीआई का स्टडी मटेरियल है फाइनल का, जिसमें पेपर सिक्स भी है फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, वहां पे अभी जाके आप अपने स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैंने आपको प्रॉपरली कंप्लीट डिटेल दे दी है कि कौन सा पेपर आपको सर्च करना है, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड इफ यू थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो, राइट। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। अब इसके लिए कोई आपके पास स्पेसिफिक बुक्स फिर नहीं होंगी, इसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले ऑनलाइन वो मिले आईसीआई का स्टडी मटीरियल, आईसीआई का प्रोफेशनल लेवल का स्टडी मटीरियल है, जिसमें इंश्योरेंस लॉज एंड प्रैक्टिसेस जो पेपर 9.2 है वो है हमारा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। फिर आता है आप आईआरडीए की वेबसाइट पे जाके ऑल अबाउट आईआरडीए वगैरह देख सकते हो और उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, और पेंशन के लिए पीएफआरडीए पढ़ सकते हो, पीएफआरडीए की वेबसाइट देख सकते हो या ईपीएफओ की वेबसाइट और एक्ट पढ़ सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स के लिए। फिर आता है हमारे पास आईएफएससी एक्ट, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफसी, आईएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है जिसका हमारा एग्जाम है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है हमारी आईएफएससी एक्ट, राइट। उसके बाद जो रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं आईएफएससी के वो, और जो बाकी वेबसाइट्स हो गई रेफर टू आईएफएससी या गिफ्ट सिटी, वो सारी आपको डिटेल्ड में कवर करनी होंगी, ठीक। इधर आपके पास कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है आईएफएससी एग्जाम फर्स्ट टाइम, और आईएफएससी ऐसा कुछ नहीं है किसी बुक में मेंशन होगा, होगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक सिर्फ डिस्कस कर रखा होगा,
वो चीज आपके यहां पे इनकी वेबसाइट्स के थ्रू हुई और एक्ट्स के थ्रू मेजरली कवर हुई है। ठीक, एक बार मैं आपको सबको वेबसाइट भी दिखाई देता हूं। अगर मैं आईएफएससी की वेबसाइट बात करूं तो उधर जब आप जाओगे तो लीगल में क्लिक करोगे तो लीगल के अंदर एक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। इधर आपको सारे एक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ आईएफएससी का एक्ट नहीं होगा, बाकी पेंशन से रिलेटेड एक्ट्स वगैरह भी डिटेल में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद ही आपको रूल्स मिल जाएंगे और उसके बाद ही रेगुलेशन वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक, और आप अबाउट आईएफएससी पे जाके भी उनके बारे में सर्च करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, अब स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ आईएफएससी की वेबसाइट होती है, एक आधी वेबसाइट्स और हैं जिसमें आपका आ गया, एक वेबसाइट है हमारी गिफ्ट गुजरात से, तो गिफ्ट गुजरात की जो वेबसाइट है उसमें भी अबाउट गिफ्ट के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, वो आप वहां से जाके अबाउट पढ़ सकते हैं गिफ्ट सिटी से रिलेटेड। ठीक, तो सेकेंड वेबसाइट आप देख सकते हो गिफ्ट गुजरात के नाम से, पहली वेबसाइट थी आईएफएससी, सेकेंड वन इज अ गिफ्ट, ठीक है ना, गिफ्ट गुजरात के लिंक से। एक वेबसाइट और मिली है मेरे को, दैट इज गिफ्ट आईएफएससी, तो गिफ्ट आईएफएससी के नाम से हमारी एक वेबसाइट और है। तो अगर आप गूगल करोगे आपको इजिली ये सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन सब वेबसाइट पे जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट आईएफएससी, अबाउट आईएफएससी गिफ्ट सिटी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कवर करोगे। ठीक, समझ आ गया। तो ये मैंने आपको कंप्लीटली दे दिया, पूरा सारा के सारे सोर्सेज आपके सामने ला के रख दिए, बुक्स आपके सामने ला के रख दी। जरूरी नहीं है, मैं आप ही बोलता हूं, जरूरी नहीं होता कि कोर्स परचेज करके ही पास होना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम और एफर्ट्स और लगेंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट यू कैन ऑल्सो क्रैक द एग्जाम। ठीक, तो सारे रिसोर्सेज आपके पास है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से मेहनत करो। हाँ, अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जॉब वगैरह कर रहे हो कहीं या कहीं और ऑलरेडी वर्किंग हो, तो कोर्स तो आपको पता ही है लॉन्च हो चुका है, तो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दूंगा, वहां से आप इनरोल कर सकते हो। वहां एडवांटेज क्या हो जाएगा कि आपको इधर से उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेस पे सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। राइट, ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी हेल्प की नीड हो, यू कैन कंसल्ट अस और माय टीम ऑन टेलीग्राम चैनल, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।